फैमिली कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। अहमद शाह के हवाले से बहुत ही अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अहमद शाह को शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो जानता ना हो। आप जानते हैं ये चाइल्ड स्टार हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन्स में बहुत सारे प्रोग्राम्स में इन्होंने शिरकत की है। लेकिन अगर अभी भी नहीं समझे तो आपको बताती चलूँ कि इस बच्चे की एक वीडियो वायरल हुई थी जिस पर इन्होंने कहा था पीछे तो देखो, और उस वीडियो को इतनी मकबूलियत मिली कि यकीन कीजिए कि भारत में भी लोग इनको पीछे तो देखो के नाम से जानना शुरू कर दिया। तो जनाब इनके हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि इनकी एक बहन भी हैं जिनका नाम था आयशा, और वो इंतकाल कर गई हैं। कैसे इंतकाल कर गई हैं? इनके ही अकाउंट पे, अहमद शाह के अकाउंट पर उन्होंने पहले पोस्ट किया था उनके लिए कि वो बीमार हैं और उनके लिए दुआओं की अपील की थी। लेकिन अब उन्होंने रिसेंटली अहमद शाह के अकाउंट पर जनाब पोस्ट किया है कि उनकी बेटी जो है वो इंतकाल कर गई हैं। बेशक सबको अल्लाह की तरफ लौटना है, लेकिन बहुत सारी दुआओं की उन्होंने अपील की है। और ये बच्ची बहुत ही क्यूट, छोटी सी 1.25 साल की ये बच्ची थी, और जनाब अभी इस दुनिया में नहीं है। वसीम बदामी जो है, आप जानते हैं कि रमज़ान ट्रांसमिशन्स में अहमद शाह के साथ इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। अहमद शाह के हवाले से वसीम बदामी ने भी अपना वीडियो पैगाम जारी किया, और आपको साथ ही साथ बताती चलूँ कि रमज़ान ट्रांसमिशन के एक प्रोग्राम में इन्होंने अहमद शाह की बहन को गोद में उठाया हुआ है, और वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो जनाब आप सब लोगों से अपील है दुआओं के लिए। वैसे तो वो नन्ही सी मासूम सी बच्ची है, क्या उसका हिसाब किताब होना है, लेकिन फिर भी उनके पेरेंट्स इस वक्त बहुत गम में हैं, बहुत ही ज़्यादा कह लो गम से निढाल हैं, और उनको आप लोगों की दुआओं की और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।